हेलो स्टूडेंट, क्रैकेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। आज हम एनवायरनमेंट के बारे में आपको पूरी डिटेल बता देंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है, आप देखते होंगे हर सब्जेक्ट में या हर आप सेक्टर में आप चले जाएं, कोई भी एग्ज़ाम या एजुकेशन से रिलेटेड है, उसमें एनवायरनमेंट का जो एक रोल है वो बहुत ही अहम है। हर चीज़ एनवायरनमेंट से जुड़ी है, चाहे आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, या चाहे आप पॉलिटी पढ़ते हैं, किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे एनवायरनमेंट का बहुत ही अच्छा रोल है और हर चीज़ एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे एनवायरनमेंट अगर डाउन जाता है, एनवायरनमेंट पे कुछ इफेक्ट होता है, तो उसका सीधा इफेक्ट आपको इकोनॉमी में भी दिख सकता है, उसका सीधा इफेक्ट आपको पॉलिटी में भी दिख सकता है, उसका सीधा इफेक्ट आपको ज्योग्राफी में भी दिख सकता है। तो एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख रहे हैं जब से एनवायरनमेंट का जो मुद्दे उठ रहे हैं, आप देखिए ज्वलंत मुद्दे, इंडिया में एनवायरनमेंट पे फोकस कब किया गया, 1990 के बाद से, 1990 के बाद से आप देखेंगे एनवायरनमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, अभी हम 2020 में हैं, आप यहाँ पर आप देखेंगे जो एनवायरनमेंट का जो टॉपिक था वो काफ़ी स्लो चल रहा था, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा लोग इससे जागरूक नहीं थे। वहीं पर आप देखेंगे 2020 आ जाता है, 2020 में आप क्या देखते हैं, एनवायरनमेंट के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी ज्वलंत हो गए हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, किसी भी सेक्टर का, चाहे CGL से लेकर सिविल का, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी एग्ज़ाम देख लें, उसमें एनवायरनमेंट से कम 15 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन आराम से आपको मिलते हैं। लेकिन स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि वो क्वेश्चन एनवायरनमेंट का है कि नहीं, क्यों, उसका मेन कारण क्या है। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें कुछ पोर्शन एनवायरनमेंट का है, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट का है पोर्शन। और हिस्ट्री को आप उठाकर देखें तो हिस्ट्री भी हमारे एनवायरनमेंट से टच करती है। कैसे, जैसे भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता हमारी एनवायरनमेंट प्रेमी रही है, लेकिन धीरे धीरे जो पाशाल संस्कृति आई है और उसका इन्फ्लुएंस हुआ है, उसके कारण आप देखेंगे एनवायरनमेंट का काफ़ी जो डिपेंडेंसी है हमारी बढ़ गई। अब जैसे हिस्ट्री का हम उदाहरण दें, जैसे ब्रिटिश काल में जो किया, ब्रिटिश लोग क्यों आए थे, कच्चे माल के लिए, उन्होंने उपनिवेश बनाया भारत को कच्चे माल के लिए, और कच्चे माल की तलाश में उन्होंने एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा दोहन किया, और जिसका भुगतान हम लोग अभी तक भर रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति ने जो इतिहास में किया है, हिस्ट्री में किया है, उसका भुगतान हम प्रेजेंट में भुगत रहे हैं, और उसका भुगतान हमको हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है उनको भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से एनवायरनमेंट एक ज्वलंत मुद्दा है, हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, और एजुकेशन से तो ये जुड़ा है ही। तो इसी वजह से आज हम डिस्कशन करेंगे एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं पर्यावरण है क्या। पर्यावरण का हम नाम सुनते हैं, पर्यावरण के बारे में जानते हैं, देखते हैं, लेकिन हमको बेसिक नॉलेज नहीं है कि पर्यावरण है क्या आखिर, और ये कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे डिपेंडेंसी है, कैसे ये हमको इफ़ेक्ट करता है, हम पर्यावरण को इफ़ेक्ट करते हैं। पहले क्या था, पर्यावरण को जो इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें थी वो नेचुरल ज़्यादा थी, यानी कि प्राकृतिक। लेकिन जैसे ही समय बदला, अब आप देख रहे हैं इन मानव पर्यावरण को इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि एक चीज़ आप सुनते होंगे विजय, यानी कि जीत हासिल करना। तो आजकल जो इंसान है वो पर्यावरण को जीतना चाहता है, वो चाहता है कि हमारे हिसाब से बारिश हो, हमारे हिसाब से बाढ़ आए, हमारे हिसाब से सर्दी पड़े, हमारे हिसाब से गर्मी पड़े। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारे पर्यावरण को ख़त्म करती जा रही हैं। कुछ तो पर्यावरण ख़त्म हो ही गया है, और आप देख रहे हैं कि कुछ समय बाद कुछ चीज़ों को, जैसे हमारे संसाधन ले लें, कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सीमित संसाधन हो गए आपके, कोयला, पेट्रोलियम, ये तो ख़त्म हो ही जाएंगे क्योंकि ये सीमित हैं। एक बैंक है जिससे हम पैसा निकालते जा रहे हैं, और जब हम पूरा पैसा निकाल लेंगे तो बैंक अपने आप ही डूब जाएगा। वही सिस्टम हमारे एनवायरनमेंट में जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी ये चीज़ लागू होती है। तो आइए पहले देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ये तो आप हमेशा बुक्स में देखते होंगे, इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि परिधन आवरण, यानी कि परि प्लस आवरण,
यानी कि ऐसा आवरण जो हमको घेरे हुए है उसको पर्यावरण बोलते हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज है पर्यावरण की, ठीक है। यानी कि ये पर्यावरण का जो आवरण है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। पहली बात ये समझना चाहिए, पर्यावरण नेचुरल ही नहीं होता है, पर्यावरण आपका नॉन नेचुरल भी हो सकता है। कैसे? आप देख सकते हैं, जैसे हम अगर हम उदाहरण लें तो पर्यावरण के नेचुरल चीज़ देख लें, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, ये तो आपने समझ लिया ना, परि प्लस आवरण यानी कि पर्यावरण, इसको हम इज इक्वल टू बोल सकते हैं पर्यावरण। सिंपल सी थ्योरी है इसको समझने की। लेकिन अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें अहम भूमिका निभाती हैं ये चीज़ को भी हमें समझना चाहिए, और किस किस प्रकार के जो पर्यावरण होते हैं जब हम अपने सिनेरियो या आसपास के माहौल में देखते हैं उनको भी समझना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, एक तो होता है प्राकृतिक, यानी कि जब से पृथ्वी बनी है ये हमारे साथ हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं मानव निर्मित, जिनको हम बोलते हैं कृत्रिम या मैनमेड, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण जो होते हैं, जैसे पृथ्वी का अपने एक साइकिल है, जैसे आप देखेंगे गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो सर्दी नहीं पड़ेगी, ये तो एक साइकिल है एनवायरनमेंट का, सिंपल सी चीज़ आप लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे पानी नहीं खौलेगा तो भाप नहीं बनेगा, सिंपल सी थ्योरी है। ये प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे सर्दी होना, गर्मी होना, बारिश होना, बारिश के समय पर, और जब भौगोलिक स्थिति पर, यानी कि जहाँ पर मैदान है, जहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पर वनस्पति अलग अलग होना, ठीक है। ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है, इसका हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे वन, जैसे समुद्र, ठीक है, जैसे नदी आदि, ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है। इसमें हम छोटे से छोटा भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे एक हम पहाड़ का उदाहरण ले लें या पर्वत का, एक पर्वत भी एक इकोसिस्टम होता है, एक पर्वत में भी उसका खुद का इकोसिस्टम होता है, एक पेड़ में भी उसका खुद का इकोसिस्टम होता है। आप देखते हैं पेड़ में जीव जंतु रहते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, उससे खाना प्राप्त करते हैं, उसके बीज खाते हैं, और बीज जो पचते नहीं हैं वो वेस्टेज चले जाते हैं, ठीक है, और उससे फिर नए पौधे अंकुरित होते हैं। तो एक ये नेचुरल प्रोसेस है। तो आप पर्यावरण का मतलब, आप प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब आप छोटी चीज़ से भी ले सकते हैं और एक बहुत बड़ी चीज़ से भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे एक दूसरे की डिपेंडेंसी है, एक दूसरे की निर्भरता है। जैसे समुद्र का ले लें, समुद्र में जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलेगी, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्लैंकटन उगते हैं। प्लैंकटन मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ वनस्पतियाँ भी होती हैं प्लैंकटन, उन पे आप देखेंगे कि छोटी मछलियाँ डिपेंडेंस करती हैं, और जहाँ पर गर्म और जल ठंडी जल धाराएं मिलेंगी वहाँ पर मछलियों की बहुत आयत मिलेगी। उसका मुख्य कारण है प्लैंकटन, यानी कि खाने का साधन होना। वहीं आप देखेंगे, मान लीजिए आपके पास खाने का साधन नहीं हो, किसी क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ पर खाने का या जीविका का साधन नहीं हो, तो आप वहाँ पर नहीं रहेंगे। ये जो एक सिंपल सा फंडा है ये हर जगह लागू होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानव निर्मित हो, ठीक है। जैसे समुद्र में प्लैंकटन उगते हैं, गर्म और ठंडी जल धाराएं जब मिलती हैं उस पर छोटी मछली डिपेंडेंट करती है, फिर उसके ऊपर बड़ी मछली, तो वो क्या होता है, उससे तादाद बढ़ती है, सिंपल सी चीज़। यही हम उदाहरण दें मानव निर्मित पर्यावरण का। मानव निर्मित पर्यावरण का एक सीधा सा सिंपल सा उदाहरण है खेत। अब इनको मानव निर्मित क्यों कहते हैं? खेत तो नेचुरल होते नहीं है, जब से मानव ने होश संभाला, वो सब बना, उसने खेत बनाना शुरू किया, क्योंकि उसकी सबसे मुख्य पहली जरूरत थी खाना। और एक खाना एक ऐसी चीज होती है जो सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है, और उन्होंने खेत बनाए। खेत में आप देखेंगे एक अलग ही इकोसिस्टम चलता है, किसान खेत बनाता है, उसमें बीज बोता है, और उस बीज को खाने वाले जीव उसमें रहने लगते हैं। जब वो खेत से, जब वो किसी मशीन से या फिर बैलों से उस खेत को बखरता है, तो उसमें कई सारे जीव पनपने लगते हैं,
जब उसमें सिंचाई करी जाती है तो जल की वजह से उसमें कई सारे छोटे छोटे पौधे या छोटे छोटे मेंढक या छोटी मछलियाँ भी आ सकती हैं। और आप देखेंगे वहाँ पर एक अलग ही इकोसिस्टम बन जाता है। जब वहाँ पर फसल हो जाती है तो चूहे वहाँ पर आ जाते हैं, और चूहों को खाने वहाँ पर कौन आते हैं, वहाँ पर सांप आते हैं, और सांप को कौन खाता है, चील। तो एक अलग ही वहाँ पर अपना इकोसिस्टम चल रहा है। तो ये हम कहेंगे ये मानव निर्मित इकोसिस्टम है। तो एक हमारा ये टॉपिक है। पहले तो हमें समझ में आ गया है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। ठीक है, अब देखते हैं हम पर्यावरण का संयोग, पर्यावरण किस किस का संयोग है। देखिए पर्यावरण दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पर्यावरण दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होता है जैविक घटक, जिसको हम लिविंग थिंग कहते हैं। ठीक है, और एक होती है अजैविक घटक। जिनको हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जो अजैविक घटक हैं और जो जैविक घटक हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। जैविक घटकों में हम देखेंगे जैसे वनस्पति, यानी कि सारे प्रकार की आप वनस्पति ले लें, सारे जीव जंतु, जीव जंतु चाहे वो कहीं भी रहते हैं वो जीव जंतु आपके, बैक्टीरिया, तथा सूक्ष्म जीव, सॉरी तथा सूक्ष्म जीव, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, जैविक घटक में। सिंपल सी चीज़, जैविक घटक का मतलब क्या होता है, यानी कि जो जीवित है, जो यहाँ वहाँ घूमता है, जो प्रजनन क्रिया करता है, ठीक है, जो अपने लिए खाना तलाशता है, वो सारी चीज़ें जैविक घटक में आती हैं। जैसे आपकी वनस्पति हो गई, जैसे जीव जंतु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तथा सूक्ष्म जीव हो गए, ये सारे आपके जैविक घटक हैं। अब आते हैं आपके अजैविक घटक। अजैविक घटक में हम किसको ले सकते हैं, जैसे आपकी मृदा, ठीक है, इसी में आप पर्वत पहाड़, पर्वत पठार या मैदान का भी रूप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी आगे नदी, ठीक है, इसमें आपकी नदी आ गई, फिर आपका इसमें आप ले सकते हैं वायु, ठीक है, इत्यादि, ये आपकी चीज़ें अजैविक घटक हैं। अब आप देखते हैं, अब इसमें जो अजैविक घटक हैं इसमें आप देखते हैं कि मृदा, नदी, वायु आदि चीज़ें हैं। तो मृदा की, मृदा का मतलब क्या है, भूमि से आप लगा सकते हैं, पर्वत से लगा सकते हैं, पठार मैदान से लगा सकते हैं, नदी या जल, सॉरी यहाँ पर आप नदी या जल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जल भी लिख सकते हैं। जल वो चाहे समुद्र का हो, चाहे ग्लेशियर का हो, चाहे आपका झील का हो, चाहे तालाब का हो। वायु, ये सारे हमारे अजैविक घटक होते हैं। आप देखेंगे जो अजैविक घटक होते हैं, जैविक घटक उन पर निर्भर होते हैं। अगर ये बेस होता है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस समय, तो मेरे लिए कोई बेस है, मैं एक जैविक चीज़ हूँ, मैं चलता फिरता हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ें, तो आप देख रहे हैं कि मैं, मुझको किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है, एक अजैविक तत्व के ऊपर। जैसे मैं जिस फ्लोर पर खड़ा हूँ वो अजैविक है, ये बोर्ड अजैविक है, ये मार्कर अजैविक है, जिस माध्यम से, जिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये वीडियो आपको भेजा जा रहा है वो भी एक अजैविक चीज़ है। लेकिन वो क्रियाशील कब हो रही है, जब उसमें जैविक तत्व का संयोग, यानी कि मेरा संयोग हो रहा है, जब उसमें मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, इन दोनों का ही योगदान तो आपका एनवायरनमेंट है। सिंपल सी चीज़, इन दोनों का योगदान ही आपका एनवायरनमेंट है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये इसको, जैविक तत्वों को अजैविक घटक आधार प्रदान करता है, और अजैविक तत्वों पर ही जैविक तत्वों की दिनचर्या चलती है और उनका जीवन निर्भर करता है। अगर ये चीज़ ना होगी, मान लीजिए मृदा नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, तो पौधे कहाँ होंगे, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, पानी नहीं होगा तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी। सिंपल सा फंडा है इसमें, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अब आप देखें, अगर हम सिंपल सी भाषा बोल लें, इन दोनों का संयोग ही तो पर्यावरण में,
इन दोनों के संयोग को भी हम पर्यावरण बोल सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अब आप देखिए पर्यावरण में अनिश्चितता कब उत्पन्न होती है, पर्यावरण में अनिश्चितता कब उत्पन्न होगी, जब इन दोनों में कुछ चीज़ें घट या बढ़ जाएं। कैसे, जैसे मृदा है, मिट्टी है जो आपकी सतह की ऊपर परत है, अगर उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाए, कैसे, मानव क्रिया के द्वारा, नेचुरल फैक्टर भी हो सकते हैं इसमें कुछ, लेकिन नेचुरल फैक्टर इतने प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन जो मानव द्वारा कृत है वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, जैसे केमिकल का प्रयोग, जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, जैसे खेत में बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में थोड़ा पिछड़ापन है किसानों में, हमारी जो खेती है वो इतनी आधुनिक नहीं हुई है। अब इसमें आप देखते हैं जैसे खेतीबाड़ी करता है किसान, तो उसमें क्या यूरिया का प्रयोग करता है, उसको ये तो नहीं मालूम कि कितने अनुपात में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, उसने मान लीजिए ज़्यादा यूरिया का प्रयोग कर लिया तो कुछ समय के बाद वो ज़मीन बेकार हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे क्रियाकलाप जिनसे चीज़ों की जो पोषकता या क्षमता वो ख़त्म हो रही है, तो उससे क्या होगा, जैविक तत्व निर्भाव प्रभावित होंगे। मान लीजिए जहाँ पर वनस्पति उगती थी वहाँ पर फिर वनस्पति नहीं उगेगी केमिकल के प्रभाव से, या किसी भी चीज़ से जो मानव के क्रियाकलाप हैं, मान लीजिए खननकार हो रहा है उससे भी, जैसे नदियाँ हैं, नदियों में मछलियाँ रहती हैं, सागर में मछलियाँ रहती हैं, झील में मछलियाँ रहती हैं, अगर पानी का ऑक्सीजन लेवल गिर जाए, ऑक्सीजन लेवल कैसे गिरेगा, जब उसमें कई सारे केमिकल डाल दिए, जैसे फैक्ट्री एरिया है, आप देखें जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, नगर हैं, वो सारे नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्यों, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो एक जीवन का पर्याय होती हैं, जैसे जल ही जीवन है, इसका क्या मतलब, इस लाइन का एक बहुत ही बड़ा मतलब है, जैसे जल ही जीवन है, तो आप देखेंगे जितने भी फैक्ट्री एरिया होंगे वो नदी के किनारे बने होंगे, क्योंकि बहुत सारा वेस्टेज निकलता है जिसको नदी में आसानी से बहाया जा सकता है, और जब वो नदी में बहाया जाता है तो केमिकल के माध्यम से क्या होता है, नदी का ऑक्सीजन लेवल गिरेगा, जब ऑक्सीजन लेवल गिरेगा नदी का तो उसमें रहने वाले जीव जंतु क्या होंगे, प्रभावित होंगे, प्रभावित होंगे तो क्या होंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। तो इस वजह से आप देखेंगे ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब इसमें क्या है कि अगर मानव इसमें कुछ क्रिया करता है तो उससे क्या होगा, इनको भी प्रभावित होंगे और ये भी प्रभावित होंगे, तो हमारा क्या होगा, पर्यावरण डिस्ट्रॉय होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, और वही चीज़ हो रही है, पहले बहुत धीमे से हो रही थी, अब तीज जो चीज़ें हैं वो तिगनी तेज़ी से बढ़ गई हैं, बहुत तेज़ी रफ्तार से हो रही हैं। आपके जो ग्लेशियर थे जो पहले धीमे धीमे पिघल रहे थे, अब बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, मानव के क्रियाकलापों से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसके आगे का जो टॉपिक है मैं आपको सेकंड पार्ट में समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए, और इसमें जो खामियां हैं और आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम जो भी नया वीडियो डालेंगे आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और आप घर पे ही, इस समय जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है उससे क्या होगा कि इसके माध्यम से आप घर पर ही स्टडी कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट स्वस्थ रहें और खुश रहें, उनको जो भी इन्फॉर्मेशन है घर बैठे मिल जाए। देखिए सरकार एग्ज़ाम कराएगी, ये बिल्कुल उदासीन मत होइए, आपके एग्ज़ाम होंगे, पढ़ाई आप दुरुस्त रखिए, ठीक है, जो मेहनत करेगा सक्सेस वही होगा। ठीक है, धन्यवाद।